ये चरागाह जो आज जो आप देख रहे हो ना, ये स्थिति में फैली ना हो, फैली तो बंजर हो। औरतें पहले गाय भैंसों का दूध निकालती, गोबर डालती और घर का काम करके फिर चराने जाती थी। स्कूल तो ऊँटे में जवा ही ना, छोटा मोटा छोरा छोरी जवा, जवान डर भी हो, छोरियाँ ज्यादा जवी ऊँटे में। जमीन सूखी थी बिल्कुल, कुछ पेड़ पौधे थे वो भी सूखे थे क्योंकि पानी की कमी थी। काश कम पड़ जाता था तो फिर मोल लाने वाले पैसे वाले तो ले आते, लेकिन गरीबों को तो जानवरों को भूखा ही रहना पड़ता था। ये कहानी हस्तिनापुर गांव की है। भीलवाड़ा से करीब 55 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर बसा है, पर यह कहानी किसी भी गांव की हो सकती है। भारत का लगभग एक चौथाई हिस्सा, लगभग 20 करोड़ एकड़ से ज्यादा जंगल, चारागाह और जल स्रोत देश के करीबन 35 करोड़ से ज्यादा गरीब गांव वालों की आजीविका का सीधा साधन है। त्रासदी लेकिन यह है कि इन जंगल, चारागाहों और जल स्रोतों में लगातार भारी कमी आ रही है। राजस्थान में तो कृषि और पशुपालन हमेशा से ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत रहे हैं। आज यहाँ हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पानी की कमी, जानवरों के चरने के लिए चारागाहों की कमी की वजह से करोड़ों लोग जाने कितने सालों से परेशान हैं। चारागाह तो पहले ही था लेकिन उस पर अतिक्रमण हो रहा था, तो उस जगह में हम चारागाह में नहीं चरा सकते क्योंकि हमारे जानवर जाते हैं, जिनका अतिक्रमण था वो लाठी मार के भगा देते। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा समस्या यही थी कि भाई, एक तो लोगों को पता नहीं था कि भाई हमारा गांव का चारागाह कितना है, उनका क्या कितना क्षेत्रफल है, ये गांव के अधिकार में है कि नहीं है। हस्तिनापुर की कहानी में मगर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारे गाँव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हस्तिनापुर के लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि ये गांव सबके लिए मिसाल बन गया। पहले तो वो अतिक्रमण कर रही होता, अतिक्रमण कर रही हो तो गांव का मैंने मीटिंग बुलाई कि भाई चरागाह ना अपन क्षण बचावा अतिक्रमण। तो उकल मैं हर परिवार हूँ, एक आदमी एक औरत सुबह चालनों का के वो औरतन लाए तो आपने भी इटी ने औरतन लड़बान तैयार। अच्छा, मैं जाके पौधा लगा दिया, पौधा लगा के वो मैं टेंचा खुदाई दी। हस्तिनापुर गांव वालों ने न सिर्फ कब्जाई हुई जमीन को खाली करवाया, साथ ही ये निर्णय लिया कि हम पंचायती राज नियम 170(1) एवं सरकार के आदेश अनुसार चारागाह विकास समिति का गठन करेंगे और सीमाओं को सुरक्षित कर मिलजुल कर इनकी देखभाल करेंगे। अपने को इस काम को जिस तरह एक मंदिर को अपना समझते हैं और उसमें सुबह शाम हमेशा उसका प्रबंधन का ध्यान रखते हैं, वो प्रबंधन करने का जिम्मा अपन लेंगे। काम में एक और नियम बनाया कि भाई अपन ने बरसात होते ही तो इनका हेरा बंद करना। गांव में दो आदमी, एक आदमी उठेगा जाता, एक आदमी टिका जाता, तो काले करता। सबसे अच्छी बात ये हुई कि अब सब गांव वाले साथ बैठने लगे, जुड़ गए। यहाँ पर पहले सीमा खाई बनी, फिर थोड़ लगाई गई, ट्रेंच खोदी गई, चेक डैम बने, पौधे लगाने के लिए गड्ढे बने, घास लगाई गई। पर ये कैसे तय हो कि इसका इस्तेमाल कौन कितना करेगा? ये निर्णय कैसे होगा कि इसका फायदा सब लोग मिलकर कैसे उठाएंगे? पेडू ने जान 2-3 महीना जो बंद राख मिल लियो, जिका मैंने कोई जानवर बाढ़ दे है तो उन्हें समझावा, न समझो तो फिर उनके 5 किलो 10 किलो दंड करा। राजस्थान सरकार, ITC और FES के सांझे प्रयासों से चारागाह विकास का काम प्रदेश में तेजी पकड़ रहा है। आप जब चारागाह विकास करना चाहते हैं तो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए और ऐसे टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हमें अनुभवी व्यक्ति चाहिए जिनका इस फील्ड में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अनुभवी हो। वेस्टलैंड बोर्ड में जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने ITC और FES के साथ में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये प्रयास किया कि इन महिलाओं को हम संगठित करें, हम ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज के तत्वाधान में इन सबको एक साथ बिठाना शुरू करें और ये आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे कॉमन लेंस हैं उनको एनक्रोचमेंट से बचाते हुए कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। काम हुआ, चीजें बदली। अच्छा ये भी हुआ कि चारागाह विकास के लिए अब महात्मा गांधी नरेगा का भी इस्तेमाल होने लगा।
गांव में कई किस्म के बदलाव आए और हर किसी की जिंदगी को इन बदलावों ने छुआ। ये छोटी छोटी ही यानी भैंस में खाना देवा तो ये क्या फटता, अब एको पेड़ बन गया तो ये बारहवीं बारहवीं माँ की लड़कियाँ फट रही। माँ का जानवर जावे और खावे तो बारह ही महीना को माने चारों मिल रही हो। जो 40-50 भैंसों की या गाय की आबादी थी जानवरों की, वो बढ़ के 200-400 हो गई आज के तारीख में। कहूँ तो जानवर ज़्यादा बिट गया तो इनकम बढ़ रही, दूध ज़्यादा हो रही हो, गोबर ज़्यादा हो रही हो तो खेत में डल रही हो तो फसल भी ज़्यादा पैदा हो रही। तो जैसे जैसे पानी रुकी, कुओं में पानी की लेवल बढ़ने लगी। आसपास के गांव के लोगों तक जब हस्तिनापुर की कहानी पहुंची तो इन गांव वालों को भी लगा कि गांव बदलने का वक्त आ गया है। तो मैं यह सोची कि भाई हस्तिनापुर में भी यहां काम चल रहा है, टंचराई का काम चल रहा है, टंचराई होने के बाद में जमीन में जल स्तर ऊंचा आएगा, तो इसलिए अपना गाँव में भी ये काम चले। हस्तिनापुर से कुछ ही दूर है गांव अमरतिया, यहाँ की भी कहानी मिलती जुलती है। लोग क्या है कि जंगल है, जिसके आवश्यकता है नहीं है तो काट काट के घर डाल देते थे। फिर हमारे को भी इच्छा हुई कि यार उस गांव में अगर मान लो जंगल पर काम कर रहे हैं तो यार हमारे गांव में भी होना चाहिए। इन्होंने केवल चन्नौर तक अपने प्रयासों को सीमित नहीं रखा, इन्होंने ये बताया कि साहब ये जो कुआं है वो मेरा है, उसमें जो हंडा से पानी लेते हैं वो भी मेरा है, हम तो ये जो नीचे का पानी है वो सबका है। तो इस गांव ने एक ऐसी प्रयास की कि हमारे गांव में कोई बोरिंग नहीं करेगा। बोरिंग बंद कराया जदी माँ के पानी मिल जाए जो कूड़ा मीना खाडो कर रहे तो रोक थोड़ो पानी रहे तो जी मटको खंडाता जो उन्हें डुबो डुबो नो जू खींचा। आज हस्तिनापुर और अमरतिया जैसे गाँव का उदाहरण राजस्थान में कई सौ गांव तक पहुंचा है। लोग जागरूक हुए हैं, एकजुट हुए हैं। राजस्थान की संस्कृति ये रही है कि विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में कि जो समलाती भूमि है उसको हम एक तरह से पूजते थे, किसी न किसी मंदिर के आसपास या पूजनीय स्थल से जोड़ते थे। वो जो पूरा क्षेत्र जिसको हम लोग ओरन के रूप से भी जानते हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति जूता या चप्पल पहन के भी नहीं जाता था, इस प्रकार से पूछते थे। वहाँ का जो पानी इकट्ठा होता था एक स्थान पे होता था, उसकी घास समलाती होती थी, पेड़ पौधे का सब उपयोग करते थे। ये जो हमारी गौरवमय संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, ये समय आ गया है कि हम वापस उसी अनुसार अपनी इस समलाती भूमियों की रक्षा करें, सम्मान करें। आज गाँव की महिलाएं जानवरों को लेकर मीलों दूर पानी पिलाने नहीं जाती। आज बच्चे और खासकर लड़कियां जानवरों को चारागाह ले जाने की जगह स्कूल जाती हैं। महिलाओं के पास घर के लिए और अपने लिए ज्यादा समय है। नए ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, जानवरों की तादाद कई गुना बढ़ी है। आज चारागाह में घास सारा साल रहती है। हस्तिनापुर, अमरतिया, स्वरूपपुरा और ढिंगाणा जैसे गांव और गोपाल जी, सीमा जी, कैलाश जी, नारायण जी और सरजू बाई जी जैसे लोग, इन सब ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए एकजुट होकर जब काम किया जाता है तो पूरे गांव के हर व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचता है। आज हस्तिनापुर और अमरतिया जैसे गांव हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है और हमें याद दिलाते हैं कि जब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं, जब लोग मिलकर अपनी सांझी जमीन, अपनी विरासत को संजोते हैं तो पथरीली जमीन हरे मैदान बन जाती है। जब सब मिलकर एक साथ चलते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।